जाओ भैया जाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टी शर्ट पे लिखा है पहाड़ी खाना, तो बहुत सारे लोग इसको पहाड़ी खाने के तौर पे ही पढ़ते हैं क्योंकि लिखा उसी तरह है। पर जब ये टी शर्ट बनकर आई, मैं इसे ध्यान से देखने लगा तो इसपे ये भी लिखा था कि पहाड़ी रवाना। तो पहाड़ी खाना जो इतना विस्तृत होता था, इतना विशाल होता था कि जिन खानों के नाम सुनते सुनते रात हो जाती थी, आज उतना खाना बन के तैयार नहीं होता क्योंकि पहाड़ी रवाना है, माइग्रेशन। जी हाँ, आपने वो पलायन की बात की है, लेकिन उत्तराखंड की जो संस्कृति है, खास करके अगर पहाड़ी व्यंजन की बात करें, पंकज अग्रवाल जी और देवभूमि रसोई अभी अभी बहादराबाद में शुरू की गई है, तो यहाँ पे टीम आरजेएस आ चुकी है। पंकज अग्रवाल जी बताएं ये खाने में क्या क्या चीजें हैं। भोजन में हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा एक खट्टी चीज से, खट्टू बोल देन, हम पहाड़ी में गढ़ वाली माँ खट्टू इधर बोल देन, क्योंकि खट्टी चीज जो है आपके टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव कर देती है। आपके टेस्ट बर्ड्स दो जगह होती है, एक तो उंगलियों के पोरों में होती है और एक जिब्बा पर होती है, तो इसलिए ये भोजन की थाली लगी तो है पर इसमें चम्मच कहीं नहीं है। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से चम्मच आपको मिलेंगे, पर हाथ से हम सपड़ा सपड़ी करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है इस चीज को, हम लोग सफर के दौरान कहेंगे, आपको भी निश्चित रूप से वो बात बड़ी अपील होगी क्योंकि आप साहित्यिक व्यक्ति हैं। हम भोजन की तरफ लौटते हैं कि हम खट्टे से शुरुआत करते हैं। ये जो आप अचार देख रहे हैं पहाड़ी, इसमें गाजर, गोभी, प्याज, मटर सब कुछ है और ये सब कच्ची है। पहाड़ी अचार का मतलब कोई तेल नहीं, कोई एसिड नहीं, इसको सिर्फ एक बर्तन में सहेजा गया, जो बचता चला गया वो, और वो अचार का रूप धारण कर लिया। ये पहाड़ी कढ़ी है, जो कढ़ी पकौड़ा हम लोग जानते हैं, वो साबुत धनिये के साथ हम लोगों ने कढ़ी बनाई है। इस दाल को हम लोग ऊती बोलते हैं, अरण की दाल जो है, पहाड़ में तोर की दाल होती है, उस तोर की दाल को उबाल कर हमने पीसा है, ऊती है ये। और इसका जो बेस है कोई भी दाल सब्जी का, वो सरसों का तेल है, मसाले के नाम पर गोल मिर्च और नमक डाला है हमने। एक ये और चीज आप देख रहे हैं, ये भी एक दाल का रूप है, पर वो जो भट्टू जिसमें वो दाल बन रही है, इसमें जखिया इतना मोटा हो गया कि धनिया जैसा हो गया, तो इसी तरह ये नींबू भी उसी मसाले में पड़ा रहा, इसका भी निश्चित रूप से अलग स्वाद आएगा। ये नॉर्मल राइस है, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज भी ना हो, कोई चीज अगर आपके समझ में ना आए तो भी आप थाली पूरी कर सके। ये एक सर्द अचारी है कि हम लोग कोई भी सब्जी को अचार के मसाले में फिर लौटता हूं हम छौंक देते थे कि ताकि वो टेस्ट बढ़ उस तरह। ये एक झंगोरे की खीर होती है हमारे यहाँ, झंगोरा से हमारा मतलब है पहाड़ी दलिया, बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं इसे, तो हम लोगों ने इसको दूध में पकाया है और कुछ ड्राई फ्रूट डाल के, तो ये बहुत जगह आपको मिल जाएगा झंगोरे की खीर आजकल पहाड़ में या दिल्ली में, तो ये एक मुश्किल। इसी के साथ हम लोग मीठा भात बनाते हैं, वो शायद आने को है या क्या है, ये भी एक सब्जी है। एक जो हम आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो मंडवे का रागी आटा, फिंगर मिलेट जिसे कहते हैं, तो उसमें हम लोग भरिया रोटी मतलब भरी हुई रोटी, मसाला रोटी मतलब तेज मसाले की चीजें, लहसुन अदरक वो काट कर उसमें डालते हैं, थेज कर बोलते हैं हम लोग उसे। तो और ये आपके लिए एक नवीन प्रयोग हो सकता है, ये शहदी रोटी है। राजाओं के घर में आखिरी रोटी जो है वो शहद की बनती थी और हम मध्यम वर्गीय लोगों के घर में आखिरी रोटी गुड़ की बनती थी। मुंबई जब ये रोटी पहुंचती है तो इसका नाम पूरन पोली होता है, तो ये शहदी रोटी आपकी डाइट को पूरा करेगी। तो यहाँ खट्टे से मीठे तक का एक सफर है। ये एक पकौड़ी है, जो कढ़ी की पकौड़ी बनती थी और उस मेहमान जब आते थे तो उनको एक वैरायटी के तौर पर देने के लिए सिर्फ किसी एक चटनी में किसी या मट्ठे में ही जो पल्लर होता था हमारा उसमें डाल दिया जाता था, निश्चित रूप से उसका अलग स्वाद आएगा। ये एक जो पहाड़ी मट्ठा होता था हमारा, उसको हम लोग पल्लर बोलते हैं, तो ये पल्लर है मतलब सरसों के तेल में राई के दाने के साथ छुका हुआ मट्ठा, जो मटके में रखा हुआ है फर्मेंटेशन के लिए। इसी तरह की ये एक थाली है और इस थाली का शेप भी आप देख रहे हैं, तो बेसिकली आज आप इस प्रजातंत्र में राजाओं के बर्तन में राजाओं का भोजन कर रहे हैं। तो अब बहुत बातों को विराम देते हुए, बहुत समय हुआ आरजेएस फैमिली, मैं देख रहा हूँ 11 बजे तक जगी है इस प्रदेश में, तो मैं मेहमान नवाजी का वो पे एक अध्याय शुरू करते हुए आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप भोजन करें। तो
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2020 में इस तरह से हम लोग रूबरू हो रहे हैं पहाड़ी खाना से। पहाड़ी व्यंजन जो है वो प्रकृति के करीब होता है और यही उद्देश्य है टीम आरजेएस का, जिसे प्रतिनिधिमंडल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रखर वार्षणे, राजेंद्र सिंह यादव और प्रांजल श्रीवास्तव यहाँ पर आकर ये पहाड़ी व्यंजन, उत्तराखंड के व्यंजन का आनंद ले रहे हैं और इस देसी व्यंजन को हम लोगों ने समर्थन दिया है, पंकज अग्रवाल जी को समर्थन दिया है, ताकि वो जिस ख्वाब से अपने देवभूमि रसोई को पूरे भारत के अंदर ले जाना चाहते हैं और ये प्रकृति का खाना नई नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रकृति के करीब रहना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जुड़कर और उसी तरह का रसोई का आनंद लेना, यही देवभूमि रसोई का उद्देश्य है। और इस तरह के व्यंजन जो हैं वो सेहतमंद होते हैं। टीम आरजेएस के लिए भाद्राबाद हरिद्वार से राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना। जय हिंद, जय भारत।